समाज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलन भैया महाभारत कथा के ओर आज ऐसा ना 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 सुरजीत के पुत्र कौन होई? भोज। आ भोज के पुत्र कौन होई? भरत। आ भरत के पुत्र कौन होई? परजमा। आ परजमा के पुत्र कौन होई? मंजमीट। आ मंजमीट के पुत्र कौन होई? ब्रह्मा। आ ब्रह्मा के पुत्र कौन होई? विष्णु सुता। आ विष्णु सुता के पुत्र कौन होई? सोमवन। सोमवन के पुत्र कौन होई? संतानु। संतानु के पुत्र चित्रविरिया। चित्रविरिया के पुत्र राजा पांडु। पांडु। पांडु के पुत्र अर्जुन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र राजा प्राक्षित। और राजा प्राक्षित के पुत्र तय जनमेजय। जय हो, जय हो राजा, जय हो। महाभारत कथा कई दिन हो गए भैया यन पानी जम्मे लती आग दे है। भगवान भोलेनाथ के मूर्ति बना के एक गोड़ में खड़ा हो है। जय हो ये भोला तो राजा हो। Yeah.
के ओकर दिमाग खराब हो गए। हाथे लाजवा भगवान भोले नाथ ला गाली देवा थे ज्यादा गांजा ला पीदा रे हास अपने अपन हासा था ऐसे करके बोलने भोले नाथ कथे पार्वती टाइम और मतलब ला समझत नहीं हसबो मतलब मैं हासत होते कर कारण है बता का कारण है पार्वती कथे का कारण है। अरे अर्जुन कुंती के मंझला लड़का पार्वती अर्जुन कई दिन हो गए मोर तपस्या कराते यन बाणी जम्मे लतिया ने हवे समाधि लगे बड़ा प्रेम के साथ भक्ति करत है प्रभु। पार्वती मैया कथे तोर आदत हा का में जही वैसने भस्म सुरला भस्म करल दे दे मोर भक्त मन हा मोर रे मोर माला जपत है कह के आ भस्म करल धर के तोला कूदई कूदई सर्वथा सब उठा दे था आ वैसने अर्जुन के बड़ाई कर था भोले नाथ कते पार्वती नहीं काला बतावो ये बात लाए दे भोले परीक्षा लेबे ता कैसे परीक्षा लेबो तेला बताबे तब ना वो बता भाई का लेना चाहते पार्वती कहती है मैं बन जाऊं शिकारनी। अरे मैं लिखित में कहत रे मौखिक नहीं लिखी कोई का अते बन जाबे शिकारी आ तोर राणा नाम के जो गनहे ना है ओला बना देबो बरहा ए पार्वती अरे शुभ काम में देरी का है जब तैयार हो जा पार्वती मैया टेढ़गा खोपा पारे है रागी आ भगवान भोले नाथ तो झूलन पगड़ी बांधे है मोरा रामे रामे जैसे जैसे शिकारी बतावत है वैसे वैसे बरहा ते देखा जावत है मोरा देखा तहा
थे वो शिवलिंग बनाए है, वो शिवलिंग लते हैं वो जड़त भाग में विध्वंस करना है, विनाश करना है, भंग करना है उसका समाधि। सही में रागी वो परहा है ना भगवान, शिकारी के ओर ला देखे वो तो बिचार रहा है एक गोड़ में खड़े है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बरहा है तो रागी काबर भैया, वो तो भोलेनाथ के गने जी ए रागी दौड़त दौड़त की सब शिवलिंग लो उज्जा। अब अर्जुन ला घसलाता ये दे भगाना लगे समाधि खुल गए, विध्वंस हो गए, समाधि खुल गए। बरहा ला देख के ओकर दिमाग खराब क्रोध हो गए, गुस्सा हो गए। अरे बरहा, अरे मोला ढकेल देते बन जन इस पर भोलेनाथ के शिवलिंग ला उजानत का बरहा मारने वाला है। छो मारे तू आगे ना आइए नहीं तो छोड़ा भाई ये भाई मारे बिना रे भाई तो मंत्र भावन करे रागी गांडी धनुष हाथ में आगे ए रागी अरे उठा के बाण लगा है भैया। आओ धन भैया शिकारी भी उठा के बाण, अरे दोनों के बाण है तो संघरण लगे है। शंकर रूपी शिकारी घरों छोड़ भैया, अब बरहा है तो गिरे। अर्जुन कथे तो लका लाइए बतावा पाछू दहन के गोड़ला शिकारी धरी, आगू दहन के दूठन गोड़ला वो तपस्वी धरी। वो धर के तीरा थे आ दोनों जन खींची खींचा खींची खींचा हुआ थे कर तपस्वी तेरा का कर बेटे खावे रा। शिकारी कहते अरे तपस्वी ताई तो भगवान के भजन करने वाला साधु संत तपस्वी साधु संत कर बे ये बरहा मैं खाई हाँ। शिकारी कथे वो मोर बाण में लगे है, अब मैं शिकारी हूँ जात के, अब ये बरहाल मैं घर में लेके मैं अर्जुन कथे भले मोला ढकेल देते कोई बात नहीं, मोर भोलेनाथ के शिवलिंग लगो काबर उजाड़ी काबर बिगाड़ी। जब तक ये तपस्वी जिंदा है भुजा में ताकत है, अरे शिकारी ये मोर बरहा लता लेके बिल्कुल छोड़ हट जा सामने से गुंडा। दोनों जन के पास सवाल बढ़े बर लागी रागी, अरे अर्जुन कथे मोर से तोला लड़े बर लागी ए रागी। दोनों के बाने चला ना लगे भैया रे, दोनों के बाने अर्जुन के बाण ला भगवान भोलेनाथ कारी के समान धरे है, धर के रागी वो लगा बाण रे फिर लगा
बराबर होवा थे। भोले नाथ है तो वो कृपान ला सब लगायब कर दी, सब कर दी, फसम कर दी। एक बाण नहीं बची अर्जुन, अर्जुन के तोमर में बाण नहीं, अर्जुन का तेल लगाए होस मोर बाण नहीं है मोर तोमर में ते तब एक शिकारी। हां तब मेरे काफी, हां मोर बाहा में ताकत है, जब तक मैं ताकत है तब तक वो बरहाला लेके बर नहीं सका। ए रागी दोनों जन में मल लियो, ए रागी मारो गा मारो ये कहाना दोनों जन में मल लियो, भक्त या भगवान में होवा के भैया जमा जमा के मुटका मारा थे। दोनों जन के मल्लयुद्ध चलत है, ओ जी भोलेनाथ कथे बेटा अर्जुन भले मोला जमा जमा के मारा, मार ले मार ले, कोई बात नहीं, अम्मे जमा के तो लनी मारो जी, नहीं मारो का बढ़िया। अब भोलेनाथ ला ओ अर्जुन है का जाने, वो तपस्वी है भगवान भोलेनाथ, नहीं जाने नहीं जाने, पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ ला मारे ना तब, अरे बाप रे बाप, मोर भोलेनाथक थोड़ा थोड़ा मारते वो एक एक घा घुमा के जमा जमा के मारते, अब मोर भोलेनाथ ये घा वाला उठा के कचाते थे, ये दस घा कचाते था ये जमा, अब वो तपस्वी है चार पांच, ये भोला भाई के छोड़ दे, आजा आजा छोड़ दे रागी। भोलेनाथ कहते हाँ अभी तो ना बने लगा थे, अभी तो ना बने मार खा, पार्वती मैया दौड़त दौड़त जाके तपस्वी लगते बेटा, आई आवत हो ही आवत हो ही, आई आवत हो ही ना रामो, अर्जुन के भुजा पकड़ के कथे बेटा जेकर तपस्या करा था वो कौन है, अच्छा जेकर सन में लड़ाई करा था वो कौन है, पहचान करो मैं पार्वती हूँ बेटा, जा हो मैया, वो कौन हरे वो शिकारी बने थे भोले, हर हर भोलेनाथ, आई आवत हो ही आवत हो ही, आई आवत हो ही ना बैला के सवारी हो के महादेव, आवत हो डमरू बजाते हुए प्रकट हुआ थे बेटा अर्जुन, आज में तो तपस्या में बेटा प्रसन्न हो, जा में तो लपसु पात्र बांध देवत हो, जब तक ये बांध तो तोमर में रही बेटा तोर बांध कभी खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा, भरपूर रहेगा, आई आवत हो ही ना
भैला के सवारी हो। लोचन भगवान की कुलेश्वर नाथ की जय। अही करमर बानी विराम जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो गोपाल की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच में अभी बहुत ही सुमधुर प्रस्तुति दे रहे थे पंडवानी की पूना भाई बंसोड़ जी, ग्राम खट्टी छुरा से आपका पदार्पण हुआ है। निश्चित ही आपकी ओजस्वी भजनों को पंडवानी को सुनकर मैं यही कहना चाहूंगा कि जननी बनकर के तुम सुंदर लोरी गाती हो, जननी बनकर के तुम सुंदर लोरी गाती हो, रक्षा सूत्र बांध कर भाई की कलाई सजाती हो, सातों वचन बनकर के जननी बनकर के तुम सुंदर लोरी गाती हो, रक्षा सूत्र बांध कर भाई की कलाई सजाती हो, अर्धांगनी बन करके तुम सातों वचन निभाती हो, आन पड़े जब घर पर विपदा रणचंडी तुम बन जाती हो, तुम ही सरोजनी इंदिरा गांधी, तुम ही तो लक्ष्मी बाई हो, तुम ही तो लक्ष्मी बाई हो, तुम ही तो लक्ष्मी बाई हो। निश्चित ही आप जैसी माताओं का स्नेह आपका आशीर्वाद हमें मिला है, तभी हम इस काबिल हुए हैं कि आज इस मंच तक पदार्पण हमारा हुआ है। और बहुत बहुत सौभाग्य आपका कि आप इस मंच तक पहुंचे, और आपको बहुत ही गरिमामय ढंग से अभिनंदन और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे संस्कृति विभाग के सम्मानित अधिकारी आदरणीय श्री संजय झरबड़े जी। निवेदन आपसे सादर सम्मान हेतु मंच तक अपनी पग धरिएगा। सम्माननीय पंडित अर्जुन नयन तिवारी जी, विप्र परिषद के आप अध्यक्ष हैं, निवेदन आपसे कि आप सादर पदार्पण कीजिएगा। और आप द्वय के श्री कर कमलों से हमारे बीच में, जिनकी बहुत ही सफल प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से हो रही थी, पंडवानी की ख्याति लब्ध गायिका श्रीमती पूनाबाई बंसोड़ जी, ग्राम खट्टी चूरा पांडुका से पधारी हैं। लीजिएगा सादर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। माँ साधना है, माँ साधना है कौशल्या की, कान्हा की गाय है। माँ साधना है कान्हा की, कौशल्या की गाय है। माँ बच्चे के जीवन का पहला अध्याय है। माँ ही सृष्टि का एक अनुपम श्रृंगार है। अरे माँ ही तो ईश्वर का पहला अवतार है, माँ ही तो ईश्वर का पहला अवतार है। मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपको इस मंच से पावन सादर विदाई है, विदाई है और विदाई है।